दोस्तों, आप सभी कभी न कभी अपने एग्जाम की वजह से परेशान तो हुए ही होंगे और यह भी सोचा होगा कि आखिर एग्जाम की खोज किसने की। तो चलिए आज जानते हैं। दोस्तों, हेनरी एफ फिशेल ने एग्जाम की खोज की थी। सर हेनरी फिशेल दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में एग्जाम की खोज की थी। यह इंडियाना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और एक फ्रांसीसी दार्शनिक भी थे जिन्होंने अमेरिका और कई अन्य स्थानों पर एग्जाम के विषय में बताया था। और दोस्तों, चीन से हुई एग्जाम की शुरुआत ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार प्राचीन चीन में एक कॉन्सेप्ट के रूप में 605 एड में एग्जाम की खोज की गई थी। हालांकि बाद में किंग राजवंश ने 605 में 1300 साल बाद इसको समाप्त कर दिया था, लेकिन तब इंग्लैंड ने 1806 में महामहिम की सिविल सेवा के लिए एग्जाम की व्यवस्था को अपना लिया था। इसे बाद में शिक्षा के लिए लागू किया गया था। इस प्रकार से छात्रों के लिए एग्जाम का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।